अमन संबलपुर स्वागत करता हूँ। 26 मार्च को जब मैंने अध्यक्ष पद का शपथ लिया तब ये नहीं सोचा था कि हम एक वर्ष में सफलतापूर्वक इतना सारा प्रोजेक्ट कर पाएंगे। इसके पीछे सभी युवा साथियों का मंच के प्रति समर्पण और त्याग देखा, सभी को मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ सभी का। मेरा सभी ने बहुत बखूबी साथ दिया, सभी युवा साथियों ने। 7 अप्रैल को हमने मेडिकल इक्विपमेंट सेंटर की शुरुआत की, जो कि एक बहुत सफल हम लोग एक प्रोजेक्ट मानते हैं। ये संस्था अभी भी ये चल रहा है मेडिकल इक्विपमेंट सेंटर, और इससे बहुत लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है। गौ माता के लिए हमने जलकुंड लगाए, 40 से अधिक जलकुंड लगाए संबलपुर में। मातृ दिवस पर हम सभी साथियों ने मिलकर वृद्धाश्रम में कुछ उपहार और कुछ सामान वितरण किया। बीच में आप सभी को पता होगा कैंसर डिटेक्शन वैन हमारे संबलपुर में आई थी, जिसमें कि 110 लोगों को उसका लाभ मिला, परीक्षण हुआ। इसके कन्वेनर रहे हमारे पीयूष भैया, पीयूष तिब्रीवाल और राजकिशोर अग्रवाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये बहुत सुचारू रूप से ये हमारा कैंसर डिटेक्शन कैंप बहुत अच्छे रूप से संपन्न हो पाया एक। इसके बाद हमने वाटर पार्क समर्पण कुछ एंजॉयमेंट का एक फन समर कैंप किया था,